व्हाट्सअप यूट्यूब दोस्तों जो ग्रोथ मैं वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक में बना रहा हूँ और इस पर हला मैं वर्कआउट रिलेटेड वीडियो बहुत सारे बना चुका हूँ, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। बट ये ऐसा टॉपिक रहा है कि मुझे लगभग 1.5-2 महीने से बहुत सारे डीएम थे बट मैं इस पर वीडियो नहीं कवर कर रहा था। बट एक फीमेल थी, उन्होंने बोला कि सर इस पर कंप्लीट वीडियो बनाओ कि क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर हमको इस प्रॉब्लम से आप गुजर रही हो। तो मैं सोचा इस पर कवर करने लायक है तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ब्रेस्ट सैगिनेस क्यों होता है, किन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें को करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ब्रेस्ट सैगिनेस से बच सको, और कौन कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्या रीज़न बेसिकली है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी कंप्लीट वीडियो होगी और थोड़ी सी वीडियो माइंड भी लंबी हो सकती है बट उतनी ही इन्फॉर्मेटिव है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, फ्री में डाइव चैट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलोअप कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम वीडियोस की। तो यहाँ बात करते हैं कि ब्रेस्ट सैगिनेस बेसिकली क्यों होता है। ये प्रॉब्लम मेंस में भी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनो। गाइनो के पिक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बेसिकली क्यों होता है मैं आपको थोड़ा समराइज कर दूँ। हालांकि वीडियो बेसिकली लड़कियों के लिए ही है। ये गाइनो तब होता है जब लड़के ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं, यानी कि ड्रग्स अपने बॉडी में लेन करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, तब ये प्रॉब्लम गाइनो की सिचुएशन आती है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लड़कियों की। तो जो ब्रेस्ट सैगिनेस है वो बेसिकली तो ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर। अगर आपके माँ को भी ये प्रॉब्लम रही है, आपके मामा के घर के लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रही है, तो चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है कि आपको भी इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा फैक्टर है ये है एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में और धीरे धीरे वो हार्मोन आपके बॉडी में प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन, तो भी आपको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर आ सकती है। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो, अगर आपके हार्मोन्स थोड़े से डिप्लीट होंगे, थोड़े से चेंज होंगे, अप एंड डाउन होंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। हार्मोनल इनबैलेंस का मतलब पता है क्या, आपको पीसीओएस, अगर पीसीओडी तो भी ये चांसेस ज्यादा हैं आपको हो सकता है। अगर आप स्मोक करते हो तो भी चांसेस ज्यादा हैं आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। स्मोकिंग बेसिकली आपके बॉडी से एक्सेलरेट करता है एजिंग प्रोसेस तेज को, यानी कि जैसे आप स्मोक करते हो आपकी एजिंग प्रोसेस जस्ट थोड़ी सी तेज हो जाती है, आपका चेहरा डल हो जाता है, आपके हार्मोन प्रोड्यूस होना कम हो जाते हैं। तो वहाँ पर जब हार्मोन प्रोड्यूस कम होंगे तो आपकी बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस होंगे, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप स्मोकिंग कर रही हो तो आपको इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। तीसरा चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपकी बॉडी स्टैंडर्ड वेट से ज़्यादा है तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करिए अपने मेंटेनेंस कैलोरी को काउंट करिए कि आपको दिन भर में कितनी कैलोरीज खानी है। बहुत सिंपल है, बोलोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, और आप लगभग उतनी ही मेंटेनेंस कैलोरी अपने डाइट में लो, अपने बॉडी में उतना ही डाल जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपका बॉडी वेट अपने स्टैंडर्ड साइज पे नहीं है तो भी आपको इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेनोपॉज। जैसे आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होती है आफ्टर 40 या 45 या 50, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपके हार्मोन थोड़े से डिप्लीट हो जाते हैं और आपके हार्मोन थोड़े थोड़े कम रहते हैं, तो उस कंडीशन में जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। तो मेंटली प्रिपेयर रहो, लगभग 40-50 साल के बाद ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। कैसे क्योर करना है मैं अभी वो आगे बताऊंगा। ये बेसिकली फैक्टर्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अगर आपको डबल प्रेगनेंसी आपकी हुई है, दोनों ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन हुआ है, तो जो आपके मिल्क ग्लैंड है वो काफ़ी हद तक सिक्रीट होते हैं आपके बॉडी में, उस कंडीशन से भी आपके ब्रेस्ट सैगिनेस काफ़ी हद तक हो जाते हैं, ये रिसर्च से पता किया गया है। तो अगर आप डबल प्रेगनेंसी ऑपरेशन फेस से गुजरे हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो थोड़ा सा मेंटली आप प्रिपेयर जरूर रहना। दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फीमेल्स अक्सर ध्यान नहीं देती है, वो है रैपिड वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। जो लड़कियां बहुत जल्दी से वजन कम करना चाहती हैं या बहुत जल्दी से वजन गेन करना चाहती हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम 110% हो जाएगी। तो जो एक स्टैंडर्ड वेट का साइज होता है कि आपको हर मंथ या हर वीक इतना इतना आपको वेट कम करना है, 10 दिन में 8 किलो, 2 दिन में 6 किलो, अगर ऐसा टारगेट बना के चलोगे तो आपके भी हार्मोन इंबैलेंस होंगे, बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी उतना रैपिड वेट लॉस और रैपिड वेट गेन, उस कंडीशन में भी आपको ब्रेस्ट सैगिनेस की प्रॉब्लम आ सकती, आपको पिंपल्स, एक्ने, हेयर फॉल, ये सारे भी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है अगर आप रैपिड चीजों के चक्कर में पड़ोगे, रैपिड वेट लॉस या रैपिड वेट गेन। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप ना करना।
अब बात करते हैं दूसरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है नॉट वियरिंग प्रॉपर गार्मेंट्स। कोशिश करो एक ऐसा गार्मेंट्स पहनने का जो आपको चारों तरफ से सपोर्ट दे ताकि आपकी बॉडी ज्यादा मोशन के खिलाफ अप एंड डाउन ना हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे, कोशिश करो अच्छे गार्मेंट यूज करने का वाइल डूइंग वर्कआउट और वाइल डूइंग वॉकिंग और रनिंग, जो भी आप करते हो, जो भी आपकी डेली रूटीन हो। अब मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी स्किपिंग के ऊपर, स्किपिंग मत करना, आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट वहां मैंने बताया था कि अगर आप प्रॉपर गार्मेंट्स पहन के ये वर्कआउट करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो उस वीडियो को अगर देख के आप ये देख रहे हो तो मेक श्योर आप दिमाग से ये कॉन्सेप्ट हटा देना। अगर आप प्रॉपर गार्मेंट्स पहन के वर्कआउट करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी और उस प्रॉब्लम से काफी हद तक आप बचे रह जाओगे। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो आपको ब्रेस्ट सैगिनेस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आपको ध्यान देना है। इसमें मैंने स्मोकिंग भी इंक्लूड किया, अगर आप स्मोक करती हो तो मेक श्योर आप उसको बंद कर दो, नहीं तो ये आपकी एजिंग प्रोसेस को काफी हद तक ज्यादा कर देगा। अब बात करते हैं कि आपको कैसे इसको प्रिवेंट बेसिकली करना है। अब मैंने फैक्टर्स बता दिया कि इन फैक्टर्स से आपको ब्रेस्ट सैगिनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। अब बताते हैं कि आपको कैसे इससे बचना है और क्या आपको करना चाहिए ताकि आप इससे बच सको। सबसे पहले ध्यान रखो, जो भी आप वर्कआउट करो वहां पे कंपाउंड मूवमेंट्स वाली वर्कआउट करो। अब आप बोलोगे सर ये टर्म क्या है कंपाउंड वर्कआउट, तो बेसिकली जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो उसमें दो तरीके के वर्कआउट होती है, एक आइसोलेशन मूवमेंट, एक होती है कंपाउंड मूवमेंट। सपोज करो मैं अब ये डंबल लेके मैं वर्कआउट कर रहा हूं, तो हमारे जो बाइसेप है ये स्मॉल मसल है, तो ये हमारी केवल छोटी मसल पे हिट कर रहा है, ये हुआ हमारा आइसोलेशन मूवमेंट। अब कंपाउंड मूवमेंट क्या हुआ, मैं यहां पे डंबल लेके शोल्डर प्रेस कर रहा हूं, तो मेरा शोल्डर भी ट्रेन हो रहा है, मेरे एल्बोज भी मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो से तीन मसल इन्वॉल्व हो रही है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट। जितने भी कंपाउंड मूवमेंट यानी कि चेस्ट वाली वर्कआउट है वो आपको करना चाहिए, जैसे कि बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस, डिक्लाइन प्रेस, बटरफ्लाइज, केबल क्रॉस, तो ये सारे जितने भी वर्कआउट हैं ये सारे कंपाउंड वर्कआउट हैं। यहाँ पे आपके पूरे चेस्ट आपको ट्रेन होती है, तो जैसे आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी आपके वहाँ पे मसल्स बनने शुरू होंगे और आपका जो सैगिनेस है वो काफी तक ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। बट यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, कोई रातों रात मिरेकल नहीं होने वाला है कि आप दो दिन जिम गए या घर पे वर्कआउट किए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और ध्यान रखना जब भी वर्कआउट करना उसके बाद अपना तुरंत वेट चेक करने मत चल जाना कि मेरा वेट कम हुआ कि नहीं, ये एक ऐसी चीजें हैं जिससे आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वर्कआउट को अपने डेली लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। मैं कमेंट पढ़ता हूं लोगों का, लोग बोलते हैं सर कितने दिन करना है, कब तक करना है, यार वर्कआउट कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, आपको इसको एक लाइफस्टाइल बनानी चाहिए कि जैसे मैं डेली कंघी करता हूं, मैं डेली बियर्ड सेट करता हूं, वैसे आप एक घंटे अपने रेगुलर बेसिस पर वर्कआउट के लिए निकालो, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फाइंड अ वेल फिटिंग कंफर्टेबल ब्रा। जब भी वर्कआउट करो कोशिश करो आप एक अच्छे गार्मेंट यूज करने का, चाहे आप जिम में वर्कआउट करते हो चाहे आप घर पे वर्कआउट करते हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है जिम में या घर पे, बट क्वालिटी गार्मेंट्स आपके लिए बना है, आप उसको डेफिनेटली यूज करो, स्पेशली जब आप वर्कआउट करते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गेट अ हार्मोन टेस्ट। अब ये हार्मोन टेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप ये सारी चीजें कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं और आपको साथ में पीसीओएस और पीसीओडी भी है, तो मेक श्योर आप हर मंथ लगभग नहीं हर महीने तो लगभग दो से तीन महीने बाद अपने हार्मोन्स का टेस्ट कराओ। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, तो मेक श्योर आप बाहर की चीजें बिल्कुल भी अवॉइड करो, डाइट में ऑयल बिल्कुल भी कट कर दो, बिल्कुल मॉडरेट वेट में लो जितना आपकी बॉडी रिक्वायर करती है, साथ में लेग्स वर्कआउट ज्यादा करो। अब बोलोगे सर लेग्स कहां से यहां बीच में आ गया, तो बेसिकली जब आप लेग्स की वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है जो कि एक सपोर्टिव हार्मोन है आपके पीसीओएस और पीसीओडी के लिए। तो जो भी लेग्स की वर्कआउट करेंगे, जो भी लेग्स को ट्रेन करते होंगे हफ्ते में एक से दो दिन भी, उनके हार्मोनल इंबैलेंस कभी भी नहीं होते हैं, तो मेक श्योर आप लेग्स एटलीस्ट हफ्ते में केवल एक दिन वर्कआउट आप जरूर करना ताकि आपके हार्मोन बैलेंस रहें। अगर अच्छा वर्कआउट करते हो लेग्स के तो आपको मेक श्योर आपको पीसीओएस और पीसीओडी बिल्कुल भी होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर आपके हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो आपको ब्रेस्ट सैगिनेस की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं होगी। वर्कआउट पर ध्यान देना, जितने भी कंपाउंड मूवमेंट है
बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, बटरफ्लाइज, केबल फ्लाइज, ये सारे आपको वर्कआउट करने पड़ेंगे वीक में एटलीस्ट 2 से 3 दिन। अब कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे, सर मैं लगभग 1 महीने से जा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिले। तो मैंने बोला इसको लाइफस्टाइल बनाइए, और मैं यहाँ से गारंटी दे रहा हूँ, अगर जो भी 7 से 8 महीने जिम की होंगी फीमेल्स, उनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं 100% लिख के दे रहा हूँ। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर वर्कआउट करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। अब 40-45 साल के बाद आपके हार्मोन थोड़े से तो डिप्लीट होंगे ही, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट इससे पहले आपको ये प्रॉब्लम फेस बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। साथ में जो जो मैंने चीज़ें बताई आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डाइट अच्छी रखिएगा, रैपिड वेट लॉस वेट गेन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा कि मेरी शादी अगले महीने, मुझे 5 किलो कम करने हैं, 10 किलो कम करने हैं, ऐसे कम तो हो जाएगा, बस उसके आगे चल के आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको फेस करना पड़ेगा। तो इन सारे चीजों का आपको ध्यान बिल्कुल रखना है। तो यहां पर अगर मैं कंक्लूड करूं पूरे वीडियो को, तो समराइज क्या निकलता है, अपने हार्मोन को जरूर चेक कराओ कि आपकी हार्मोन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस्ड है। वर्कआउट कंपाउंड मूवमेंट वाले कराओ। तीसरा, जब भी वर्कआउट करो तो वहां पे कंफर्टेबल गारमेंट्स यूज करो, जो कि आपको वेल पैडेड हो, वेल लिफ्टेड गारमेंट्स हो। बहुत जल्दी वजन कम करना, वजन गेन करने के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ो। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो भी क्विट कर दो, और वीक में एटलीस्ट 1 से 2 दिन अपने लेग्स को भी जरूर ट्रेन करो, ताकि आपके हार्मोन, आपके एस्ट्रोजन एक सफिशियंट अमाउंट में आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर सके। तो वीडियो में मैं वर्कआउट तो नहीं बताया हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है वर्कआउट कौन से की जाए, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, आप वो सारी वर्कआउट अपने घर पे भी और जिम में भी कर सकते हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग ब्रेस्ट सैगिनेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। कोई सवाल हो तो चाहे कमेंट कर देना। डाइट चार्ट चाहिए तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप डाइट चार्ट ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे आपको नहीं देने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।